मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला लेकर लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी तीर चलाया है। फैसले से जहां सवर्णों के अच्छे दिन की उम्मीद बढ़ी है, वहीं चुनाव में बीजेपी को भी इसका फायदा मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि संसद सत्र के आखिरी दिन जिस तरह से इस बिल को अचानक लाया गया, उससे ये सवाल उठना लाजमी है कि सवर्णों के आरक्षण वाले मोदी दांव के सियासी मायने क्या है। क्या 2019 में चलेगा मोदी के ब्रह्मास्त्र का जादू? दरअसल हिंदी भाषी 3 राज्यों में मिली चुनावी हार और राम मंदिर पर बन रहे माहौल के बीच सरकार को उम्मीद है कि ये फैसला चुनावी संजीवनी साबित होगा। सवर्ण वोटरों को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि SC ST एक्ट की मजबूती से नाराज सवर्णों को खुश करने के लिए बीजेपी ने दांव खेला है। सरकार के दांव की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई विरोधी दल भी नानुकड़ के बीच समर्थन देने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर 2014 के चुनाव नतीजों पर नजर डाले तो एक बात साफ है कि सवर्ण वोटरों ने बीजेपी को झोली भरकर वोट दिए। 2014 के नतीजों के मुताबिक देश के 14 राज्यों में बीजेपी ने 91% सीटों पर कब्जा जमाया था। इन सभी राज्यों में सवर्ण प्रभाव वाली सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। इन 14 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 341 सीटें हैं। इन 314 सीटों में सवर्ण प्रभाव वाली 179 सीटें हैं, जिनमें से 2014 में बीजेपी ने 140 सीटों पर कब्जा जमाया था। हालांकि मोदी सरकार के इस फैसले से राजनीति पलट जाएगी और 2019 में मोदी के इस ब्रह्मास्त्र का जादू चलेगा, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मोदी ने अपने इस दांव से विपक्ष को बैकफुट पर जरूर धकेल दिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।